हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद एसकेएमएस मंत्रा। तो आज हम बात करने वाले हैं इन सेंटर एंड एक्स सेंटर के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, सर्कम सेंटर नोट किया जाता है और इसके कोऑर्डिनेट निकालने का जो प्रोसीजर मैंने बताया था वो बताया था x1 + x2 + x3 / 3, ठीक है, एंड y1 + y2 + y3 / 3, ठीक है। ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बच्चों प्रोसीजर बताया था, ये सेंट्रोइड निकालने का तरीका था। दूसरा जो आपको बताया था बच्चों मैंने, वो था सर्कम सेंटर के बारे में, सर्कम ठीक है सेंटर के बारे में, सर्कम सेंटर के बारे में। तो सर्कम सेंटर को मैंने बताया था आपको ओ से डिनोट किया जाता है, या तो आप वर्टिसेस के थ्रू निकाल सकते हैं। मैंने इसमें दो फॉर्मूले आपको डिस्कस करे थे, या तो आप एक एंगल का फॉर्मूला भी इसमें लगाया जाता है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो फॉर्मूला इस तरह से था बच्चों, x1 sin 2a + x2 sin 2b + x3 sin 2c / sin 2a + sin 2b + sin 2c, ठीक है। एक तो इस तरह से निकाला जाता है पहला कंपोनेंट, एंड दूसरा कंपोनेंट निकाला जाता है y1 sin 2a + y2 sin b sin 2b + y3 sin 2c / sin 2a + sin 2b + sin 2c, ठीक है। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है कि सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर। बस आपको सिंबल याद रखना है, सेंट्रोइड को कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है और सर्कम सेंटर को ओ से डिनोट किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो आज जो मैं तीसरा टाइटल आपको समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, वो है बच्चों इन सेंटर के बारे में, ठीक है। इट इज इन सेंटर, तो इन सेंटर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, पहले हम अपना डायग्राम बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। फिर मैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवा दूंगा। तो ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया, ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है बच्चों। तो जो इन सेंटर होता है बच्चों, वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से बनता है बच्चों, ठीक है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर समझ रहे हैं, इन एंगलों का, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर करना है आपने, ठीक है। दो इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है। तो जब आप उस लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मान लो मैंने इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर कर दिया और वो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, ये जो है इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, एंड ये जो है बच्चों आपका इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये यहाँ पे मिल रहे हैं, कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इतने का जो है, आप इतनी रेडियस का सर्कल भी जनरेट कर सकते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ठीक है। पहले नाम रख देते हैं, इसका नाम ए है, ये है आपका x1 y1, दूसरा पॉइंट आपका बी, इसका नाम हो गया x2 y2, और ये हो गया आपका सी, ये है आपका x3 y3, ठीक है। और ये तो नाम हो गया, और ये जो बीच में सेंट्रल है या जो डिस्टेंसेज है, इनका नाम रख देते हैं। ये डिस्टेंस आपकी ए हो गई है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी बी हो गई है, और ये डिस्टेंस आपकी सी हो गई है, ठीक है बच्चों। ओके, अब आप इतनी डिस्टेंस आई से लेके, या अगर आप इसे सेंटर माने, सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस का अगर आप चाहें तो सर्कल भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एक सर्कल इसमें खूबसूरत सा बन जाएगा, ठीक है। ये सर्कल मैंने आपका इस तरह से ये बना लिया है बच्चों, ठीक है। तो सीधा फंडा ये हो गया कि जो इन सेंटर होता है वो आपका एंगल बाइसेक्टर, मींस ये अगर ये एंगल ए है तो ये ए बाई टू हो जाएगा, और ये भी आपका ए बाई टू हो जाएगा, तो एंगल बाइसेक्टरों से बनता है। अब इस बात को हम यहाँ पॉइंट टू पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मेड बाय इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक हो गया, ठीक है। और इसे दूसरा किससे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय, आपको इनका जो रिप्रेजेंट करने के जो सिंबल यूज़ हैं उनको भी ध्यान रखना है बच्चों, कई बार डायरेक्ट उसी सिंबल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो डिनोटेड बाय कैपिटल आई से इसे डिनोट किया जाता है, जैसे सेंट्रोइड को कैपिटल जी से, सर्कम सेंटर को ओ से दिखाया जाता है, और उसी तरह से इन सेंटर को आपका आई से दिखाया जाता है, ठीक हो गया यहाँ तक। अब इस इन सेंटर को निकालने का प्रोसेसर क्या है बच्चों, वो देख लीजिए आप, ठीक है। आप कैसे इस तरह को निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है।
देखिए ये साइड आपके, ये वर्टिसेस आपके x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, x3 y3 हो गया, ठीक है। तो अगर आपको इन सेंटर निकालना है, आई निकालना है, तो प्रोसीजर क्या करना है, आपने ये वाली साइड लेनी है, ठीक है। ये साइड आपकी ए है, उसके सामने वाला जो पहला कंपोनेंट क्या है वो ए एक्स वन है, तो यहाँ लिख देना ए एक्स वन प्लस, अगर आप बी लेते हैं तो बी के सामने कौन है, एक बी एक्स टू, ठीक है। जो पहले पहले कंपोनेंट, ये जो साइड है, ये इन वर्टिसेस के पहले पहले कंपोनेंटों के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड होंगे, ठीक है। जैसे ए एक्स वन बी किसके साथ करेगा, एक्स टू के साथ, बी एक्स टू प्लस ये किसके साथ करेगा, सी एक्स थ्री के साथ करेगा, तो सी एक्स थ्री ओवर यहाँ पे आ जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, ये पहला कंपोनेंट आया। अब ये किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड कंपोनेंटों के साथ, तो सेकेंड कंपोनेंट ए, सेकेंड कंपोनेंट क्या है, वाई वन, ए वाई वन प्लस बी किसके साथ करेगा, वाई टू, बी वाई टू प्लस सी किसके साथ करेगा, सेकेंड कंपोनेंट वाई थ्री के साथ, ओवर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक हो गया यहाँ तक। तो ये तरीका है बच्चों आपका इन सेंटर को निकालने का, प्रोसीजर है बच्चों, ठीक है। इसमें आपको रिमेंबर जो बात याद रखनी है और जहाँ से क्वेश्चन उठता है वो ये है बच्चों, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल, अगर एक ऐसा ट्राइंगल हो गया है आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया है, ठीक है, देन देन आई बिकम्स, आई क्या बिकम हो जाएगा, आई बिकम सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल से मतलब क्या है, सारी डिस्टेंस इक्वल हो गई हैं, ठीक है, और ये एंगल जो है इक्वल इक्वल, ये तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया है तो इसका मतलब ये हो गया, जो आई है वो सेंट्रॉइड कहलाएगा, और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने का प्रोसीजर आपको बता रखा है क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री ओवर थ्री एंड वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री ओवर थ्री। तो ये भी कह सकते हैं कि भाई एक इनसेंटर जो है, किसी ट्राइंगल का इनसेंटर जो है वो सेंट्रोइड के बराबर कब होगा, जब ट्राइंगल कैसा हो रहा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो रहा होगा बच्चों, ठीक है। सो ये था बच्चों आपका इनसेंटर के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक्सेंटर के बारे में, ठीक है। एक्सेंटर क्या होता है, तो प्लीज़ इस नोट्स को आप नोट कर लीजिएगा जो मैंने यहाँ लिखवाया है, इनसेंटर को निकालने का ये प्रोसीजर होता है, ठीक है, बहुत आसान भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे एक काम करते हैं, पहले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पर, ठीक है, मान लो, ठीक है, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, इससे थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों को। मान लो कि एग्जाम्पल है, वो कहता है फाइंड इन सेंटर, तो मैं डायरेक्ट आई लिख रहा हूँ, ठीक है, फाइंड इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, ठीक है, मान लो ये 3.2 दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे आपका 4.1 दे दिया है, ये 7.1 दे दिया है मान लो, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इन सेंटर आपका निकालना है, तो फटाफट से इसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ आ गया 3.2 हो गया, यहाँ पे आपका 4.1 हो गया है, यहाँ पे मान लो आपका 7.1 हो गया, ठीक है। अगर ऑर्डर वाइज नहीं लिखता है तो आप या तो क्लॉक वाइज चल लीजिए या तो आप एंटी क्लॉक वाइज चल लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है ये डिस्टेंस आ जाएगी, इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है ये डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक हो गया यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इसका पहला कंपोनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा करते हैं, इस डिस्टेंस को कुछ देर के लिए एक्स वन मान लेते हैं, ठीक है, इस डिस्टेंस को कुछ देर के लिए आपका एक्स टू मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को आप एक्स थ्री मान लेते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंसेज आपने निकाली होंगी, तो आप क्या करेंगे, जब आप इन सेंटर को निकालेंगे तो क्या करना है, एक्स वन की किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 3x1, ठीक है, एक्स वन थ्री, फिर एक्स टू सेवन के साथ करेगा, प्लस का 7x2 प्लस कितना, 4x3, ठीक है, 4x3 ओवर में क्या करना है, तीनों साइड ऐड होती है, तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, ठीक है। यहाँ पे हालांकि कोई आपका नंबर रहा होगा, मैंने तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री से किया है। उसी तरह से आप क्या करेंगे, एक्स वन किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 के साथ, तो 2x1 प्लस एक्स टू किसके साथ करेगा, 1 के साथ, तो एक्स टू हो जाएगा, प्लस एक्स थ्री किसके साथ करेगा, या 1 के साथ, एक्स थ्री के ऊपर में कितना आ जाएगा बच्चों आपका, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूले से ये तो निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप इन डिस्टेंसेस को पता करके फटाफट से यहाँ वैल्यू रख के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सेंटर को निकालने का ये प्रोसेसर है बच्चों, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, विच इज एक्स सेंटर, ठीक है, एक्स सेंटर क्या होता है, इसको देख लीजिए आप, ठीक है।
देखिए एक्स सेंटर को प्रोसेसर देख लीजिए, मैं आपको पहले इसके पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बनता कैसे है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों इसका, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंगल, ऑफ वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड अदर टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्या है इसका मतलब, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम को मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होता है, तो देखिए मैं बहुत सिंपल वे में आपको प्रोसेसर बता रहा हूँ, ठीक है। आपने कोई ट्रायंगल बनाया, मान लो मैंने ये कोई ट्रायंगल बना लिया बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ये एक्स सेंटर कैसे बनता है, किसे हम एक्स सेंटर बोलेंगे। ये आपका मैंने क्या बना लिया है, एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। वो थोड़ा सा वाहियात बन गया, फिर भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है इट इज़ द इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द वन इंटरनल एंगल, ठीक है। वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, किसी भी एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। एंड अदर टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। एक तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से बनेगा, ठीक है। एंड जो दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स सेंटर बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इसका मतलब यहाँ पे तीन एंगल बाइसेक्टर होने हैं, एक यहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा, ठीक है। तो अब मान लो मैं यहाँ नाम देता हूँ, इसका नाम ए दे देता हूँ, इसका नाम मैं बी दे देता हूँ बच्चों, इसका नाम मैं सी दे देता हूँ, ठीक है। अब आपने एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अगर 90 डिग्री का एंगल है तो 45 45 में ब्रेक हो जाएगा, इसे हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, ठीक है। एंगल के बाइसेक्ट, एंगल का बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड कर देना। तो मान लो आपने इस एंगल का बाइसेक्टर करा तो ये इस तरह से जा रहा होगा, ठीक है। आपने इस तरह से इसको एक्सटेंड कर देना है, ये गया आपका, ठीक है। ये आपका ये बाहर क्यों गया, क्योंकि ये इसने एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बोला है, किनका जो बाकी दो रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये लाइन एक्सटेंड होनी है। इस तरह से ये लाइन हमने एक्सटेंड करी और ये लाइन भी हमने बच्चों क्या करी, एक्सटेंड करी है, ठीक है, इस तरह से, ठीक हो गया। अब इस ए एंगल का आपको क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर करना है, ठीक है। इस ए एंगल का आपको क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर, मतलब इतना एंगल जो है, तो मान लो बच्चों वो इस तरह से आया होगा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर आपका इस तरह से करेंगे, हालांकि जब मैं आपको फॉर्मूला दूंगा तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि बना कैसे है, ठीक है। एंड सी एंगल का जब आपने एंगल बाइसेक्टर किया होगा तो वो किस तरह से थोड़ा बहुत ये आगे चला गया ना, ये इस तरह से नहीं आना था, ये आपका ऐसा करते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये इस तरह से हुआ होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे कर रही हैं। अब इतनी रेडियस का क्या करेंगे आप, सर्कल, इतनी रेडियस का सर्कल जनरेट करेंगे, ठीक है। तो जब आप सर्कल बनाएंगे इतनी रेडियस का तो कैसे बनेगा ये, इधर देखें, ये आपका रेडियस हो गया, तो ये इस तरह से बनेगा बच्चों, ठीक है। आई होप ये अच्छा बन जाए, तो ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है। सर्कल दिख रहा है आपको अच्छे से, ठीक है, ये सर्कल हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये इस पहला जो हमारा हमारा एक्स सेंटर आ रखा है, इसका नाम ऐसा करते हैं, इसका नाम आप I1 रख दीजिए, ठीक है। चलो पहले अभी बाद में रखेंगे, सेंटर हमें मिलेंगे यहाँ, ठीक है। I1 I2 एंड I3, इससे इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे ये होगा, ठीक है। तो अगर आप I1 को निकालते हैं बच्चों, ठीक है, I1 को जब आप निकालेंगे, I1 को निकालने का प्रोसेसर है बच्चों, माइनस का ए एक्स वन प्लस
ई एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री ओवर माइनस का ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये पहला एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, माइनस का ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री ओवर माइनस का ए प्लस बी प्लस सी। ये पहले एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए हैं बच्चों। ठीक है, अब हम दूसरे एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो अब आप क्या करेंगे, माइनस साइन को दूसरे में स्विच कर देंगे, तो ए एक्स वन माइनस का बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री ओवर ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी स्विच हो जाएगा, ए वाई वन माइनस का बी वाई टू प्लस का सी वाई थ्री ओवर यहाँ क्या आ जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, एंड फाइनली जब हम थर्ड एक्स सेंटर निकालेंगे बच्चों आई थ्री, तो इसमें माइनस साइन थर्ड वाले में स्विच हो जाएगा, तो ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री ओवर ए प्लस बी माइनस सी, और यहाँ भी थर्ड में स्विच हो जाएगा, तो ए वाई वन प्लस बी वाई टू माइनस सी वाई थ्री ओवर यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि इतना भारी भरकम सामान सर हम याद कैसे रखेंगे, तो देखो इसकी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखना, इसी से ही ये बना हुआ है। ठीक है, ट्रिक इसकी ये है बच्चों कि जो इन सेंटर का फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है, आपको इन सेंटर का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, इन सेंटर का अभी अभी फॉर्मूला बताया था, ए एक्स वन प्लस का, ठीक है, ए एक्स वन प्लस का बी एक्स टू प्लस का सी एक्स थ्री ओवर यहाँ क्या बताया था, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ए वाई वन प्लस का बी वाई टू प्लस का सी वाई थ्री ओवर यहाँ पे क्या था, ए प्लस बी प्लस सी। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताए थे, आपको इन सेंटर के आपको कोऑर्डिनेट बताया। तो आपने क्या करना है, जब ये आई वन आई टू बने हैं तो आपने क्या करना है, रिप्लेस ए बाय माइनस ए फॉर आई वन। ठीक है, मतलब इन सेंटर ए के लिए जो इन सेंटर का फॉर्मूला है उसमें ए आई वन के लिए आपने ए की जगह माइनस ए रख देना, बस कहानी खत्म। ठीक है, उसी तरह से रिप्लेस बी बाय माइनस बी फॉर आई टू के लिए, एंड थर्ड रिप्लेस। तो जहां जहां बी है वहां माइनस लग जाएगा, सी के लिए माइनस सी रख देना, आई थ्री के लिए तो जहां जहां सी है वहां माइनस लग जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तरीका होता है बच्चों एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट को निकालने का। ठीक है, तो आई वन आई टू आई थ्री किसी तरह से भी वो क्वेश्चन को यहाँ पे पूछ सकता है बच्चों। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, वहाँ मैं एक और ऑर्थो सेंटर के ऊपर बात करूँगा, फिर हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।